हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस से जो आपकी इंडिया वाली बुक है और जो आपका फर्स्ट चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, इसकी इजी समरी विद नोट्स करवाने वाला हूं। और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? आपको बहुत ही आसानी से चैप्टर समझ में आ जाएगा और आपको नोट्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2024 में अगर आपका बोर्ड एग्जाम है तो आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या आप अगर कोई मैसेज करना चाहें तो आप मुझे मेरी इस आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। और वेबसाइट है www.eklavyastudypoint.com, यहाँ पे भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, तो आप वेबसाइट को भी जरूर विजिट करें। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होता है जब हमारा देश आजाद हुआ था, ठीक है? इन द मिडनाइट ऑफ 14th एंड 15th अगस्त 1947 इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। हम आजाद हुए थे 15 अगस्त को, लेकिन 14 और 15 अगस्त की मिडनाइट को हम आजाद हुए थे, याद रखना। और जब हम आजाद हुए थे तो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बहुत ही फेमस भाषण दिया था, बहुत ही फेमस स्पीच दी थी, जिसको ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नाम से जाना जाता है। और ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नेता थे वो सब बैठे हुए थे सामने, और नेहरू जी ने देश के आजाद होते ही ये स्पीच दी थी। तो इसीलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहली लाइन में ही आपको ये मैं पढ़ा रहा हूँ कि इनकी स्पीच का नाम क्या है, याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं हम, तो थ्री चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। अब जब हमारा देश आजाद हो गया 14-15 अगस्त की मिडनाइट को, तो अब हमें अपना डेवलपमेंट करना था, अपने नेशन को बिल्ड करना था, क्योंकि अभी तक जो है हम एक तरीके से कॉलोनी थे ब्रिटिशर्स की। अब हमें अपने पैरों पर खड़ा होकर खुद का डेवलपमेंट करना था। क्या क्या चैलेंजेस आए, आइए देखते हैं। सबसे पहला चैलेंज था यूनिटी। अब आपको पता है हमारा जो इंडिया है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स है, यहाँ पे बहुत सारे कल्चर, बहुत सारी कम्युनिटीज, बहुत सारे रिलीजन्स के लोग रहते हैं। इन सभी को एक करके एक देश बनाना बहुत ही मुश्किल काम था। तो यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग रहते हैं, डिफरेंट कल्चर वाले, डिफरेंट रिलीजन वाले लोग रहते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट जो चैलेंज आया वो था यूनिटी, कैसे मतलब आप करेंगे। सेकंड जो चैलेंज था वो था एस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी। देखो भाई, डेमोक्रेसी लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस टाइम पे हमारा देश आजाद हुआ था 90% लोग लगभग आसपास जो है वो इलिटरेट थे, पढ़े लिखे नहीं थे। उनको नहीं पता था कि क्या मतलब डेमोक्रेसी होती है, क्या क्या होता है उनको। देखो भाई, डेमोक्रेसी के लिए भी आपको इतना तो पता होना चाहिए ना, कैंडिडेट का नाम क्या लिखा है, या आपको थोड़ा बहुत तो पार्टी के बारे में पता होना चाहिए। हमारे लोग बहुत मतलब भोले भाले थे, इतना नहीं पढ़े लिखे। So, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी को फंडामेंटल राइट्स तो दिए कि आप जो है भाई वोट दे सकते हो, राइट टू वोट हर सिटीजन के पास है। लेकिन इंडिया ने जो है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अपनाया था, यानी कि हर एरिया का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसको आप चुनते हो, ठीक है, आप वोट डालते हो। तो डेमोक्रेसी लाने के लिए भी बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया जाता है, जो कि वहां पे बैठते हैं, जहां पे वोटिंग जो सेंटर होते हैं वहां पे वो बैठते हैं, लोगों की मदद करते हैं। तो पहले उनको भी तो ट्रेन किया जाता है। तो लोग तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है, वोटर लिस्ट बनाने में भी बहुत दिक्कत आ रही थी। तो ये था। तीसरा चैलेंज आया डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ सोसाइटी। अब तीसरा चैलेंज ये था कि अब हमारा देश जो है वो काफी ज्यादा गरीब था, उसका डेवलपमेंट कैसे करना है, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी को इक्वालिटी का एक राइट दिया है, ठीक है, प्रोटेक्शन, ठीक है, और जो सोशली डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, उनके लिए रिजर्वेशंस भी हैं। और ये सब देखते हुए हमारे देश को आगे बढ़ना था कि ये जो माइनॉरिटीज की प्रॉब्लम्स हैं या जो लोग थोड़े से डिप्राइव्ड हैं उनके लिए क्या करना है और किस तरीके से पूरे एक सोसाइटी का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अब आगे है टू नेशन थ्योरी। टू नेशन का मतलब होता है दो देश। अब आपको ये तो पता होगा इंडिया पाकिस्तान पहले एक ही था, पाकिस्तान इंडिया में से ही बना है, ठीक है, पाकिस्तान कोई अलग से देश एग्जिस्ट नहीं करता था पहले। तो अब हुआ क्या, जब 15 अगस्त 1947 को जब हम आजाद हुए थे तो आजादी के साथ हमें पार्टीशन भी मिला था, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बने थे, ठीक है। जो ब्रिटिश इंडिया था पहले हमारा, वो अब इंडिया और पाकिस्तान दो स्टेट्स या फिर कह सकते हो दो देशों में बट गया। तो टू नेशन थ्योरी जो है ये याद रखो, सबसे पहले ये दो देशों को बनाने वाला मतलब जो है ये मामला क्या था, किसने बोला था।
तो मुस्लिम लीग ने ये ऐसा कहा था, मुस्लिम्स की एक पार्टी थी, उन्होंने कहा था कि भाई इंडिया जो है वो हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों से मिलकर बनाए, और हमें जो है एक सेपरेट कंट्री चाहिए हमारे मुस्लिम्स के लिए, ठीक है, और हमें पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए। तो ये टू नेशन थ्योरी मुस्लिम लीग के द्वारा, मतलब उनके ही ये तरफ से आई थी। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। हमारा जो पार्टीशन हुआ था, जो हमारा बंटवारा हुआ था, वो किस तरीके से हुआ था? तो सबसे पहले ये था कि नो सिंगल टेरिटरी ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी। तो अभी तक क्या था, ब्रिटिश इंडिया के अंदर कोई भी ऐसी सिंगल टेरिटरी नहीं थी जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में ऐसा कुछ हो, ठीक है। और दो ही एरियाज थे, एक तो वेस्ट और ईस्ट, जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी, बंगाल के साइड में, ठीक है, ये जो है बंगाल के साइड में, और ये थोड़ा सा इस साइड में, ठीक है, वेस्ट साइड में। यहाँ पर मुस्लिम्स की जो मेजोरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा थी, मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। सो ऐसे में इन दोनों को ज्वाइंट भी नहीं कर सकते, बीच में इतना बड़ा एरिया है भाई, कहाँ से ज्वाइंट होगा? तो अब ये डिसाइड हुआ कि जो है भाई पाकिस्तान जो है वो दो बनेंगे, एक तो ईस्ट पाकिस्तान बनेगा और एक वेस्ट पाकिस्तान बनेगा। तो दो पाकिस्तान बनाए गए क्योंकि दो जगहों पर मुस्लिम्स की मेजोरिटी ज्यादा थी, ठीक है। अब आगे क्या हुआ भाई, नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज वॉन्टेड टू ज्वाइन पाकिस्तान। अब मुस्लिम होने का ये मतलब नहीं है कि हर मुस्लिम ये चाहे कि उसको पाकिस्तान में ही जाना है। तो ये बहुत बड़ी डिफिकल्टी थी क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम्स थे जो इंडिया में ही रहना चाहते थे, उनकी जो जो आप कह सकते हो लॉयलिटी है वो इंडिया के लिए थी। खान अब्दुल गफार खान इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ये एक लीडर थे, इनको फ्रंटियर गांधी नाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने स्ट्रांगली अपोज किया टू नेशन थ्योरी को। ये कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान वगैरह नहीं बनना चाहिए, हम इंडिया में ही रहेंगे मुस्लिम्स। अब आगे क्या हुआ, प्रॉब्लम्स क्या क्या आई पार्टीशन की वजह से? तो देखो, पंजाब का और बंगाल का पार्टीशन हुआ क्योंकि पंजाब आपको पता है पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, और बंगाल जो है वो हमारा इंडिया में भी है, और बांग्लादेश जो है वो एक अलग कंट्री बन चुका है अब। सो हुआ क्या कि पंजाब में भी मुस्लिम्स ज्यादा थे, नॉन मुस्लिम्स भी ज्यादा थे, और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही चक्कर था। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, इन प्रोविंसेस को जो है डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, रिलीजियस मेजोरिटी के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, लोअर लेवल पर भी इसका जो है पूरा पार्टीशन हो गया इन दो स्टेट्स का, बंगाल और पंजाब का। जो नॉन मुस्लिम्स वाले थे वो इंडिया में रह गए, मुस्लिम्स मेजोरिटी वाले एरियाज थे वो पाकिस्तान की तरफ चले गए, ठीक है। तो ये पार्टीशन जो हुआ था ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा मार काट, वॉयलेंस और बहुत कुछ हुआ था, डीपेस्ट ट्रॉमा था ये पार्टीशन का। अब आगे क्या है, प्रॉब्लम्स ऑफ माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड्स। अब इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ही माइनॉरिटीज रह रही थी। प्रॉब्लम ये आई कि जब लाखों हिंदू और सिख लोग जो थे पाकिस्तान में रहने वाले और जो इंडिया में रहने वाले मुस्लिम्स थे, इनको बहुत दिक्कत आ गई क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को और सिख लोगों को पाकिस्तानियों ने बहुत परेशान करा वहां पे, ठीक है, क्योंकि वो कह रहे थे हम मुस्लिम्स हैं, और इंडिया में भी काफी मुस्लिम्स को यहाँ के जो लोग रहने वाले थे उन्होंने बहुत परेशान किया, दोनों तरफ से ये हो रहा था, ठीक है। और ये ऐसा लग रहा था इन लोगों को कि भाई हम अपने ही घर में जो है एक, मतलब आप ये समझो कि एलियन बन चुके हैं। ये मान लो पाकिस्तान में हिंदू रहते थे, है ना, पार्टीशन से पहले, अब पार्टीशन के बाद ये कह दिया वहां के मुस्लिम्स ने निकलो यहाँ से, इंडिया में जाओ। अब भाई ये तो इंडिया में ही थे ना पहले, अब पार्टीशन के बाद ये एरिया पाकिस्तान बन गया, तो वो तो अपने घर में ही एलियन बन गए, मतलब घर में ही फॉरनर बन गए। तो ऐसा हो गया था। तो ये पार्टीशन जब हुआ तो माइनॉरिटीज को बहुत दिक्कत हुई भाई। अब इसके पार्टीशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये थी, वॉयलेंस बहुत ज्यादा, डिस्प्लेसमेंट हो गया, लोग आपस में दंगे, फसाद, रायट्स, वॉयलेंस, डिस्प्लेसमेंट्स हो रहे थे, इधर से उधर लोग लड़ रहे थे, हिंदू मुस्लिमों के झगड़े हो रहे थे, काफी लोग जो हैं वो मारे गए, माइग्रेश मतलब माइग्रेशन करा, काफी लोगों ने माइग्रेट किया इधर से उधर, उधर से इधर, ठीक है। और मैं आपको बताऊं क्या होता है, क्रिएशन ऑफ न्यू नेशंस। अब पार्टीशन के बाद दो नए देश बनते हैं यहाँ पे, इंडिया और पाकिस्तान सेपरेटली बनते हैं। इंडिया एक सेक्युलर देश बना जबकि यहाँ पे हिंदू मेजोरिटी में थे, और पाकिस्तान जो है वो प्रॉपर एक मुस्लिम मेजोरिटी वाला था और वो मुस्लिम स्टेट बना। इंडिया ने सेक्युलर रखा अपने आप को, सभी धर्मों के लिए इंडिया ओपन था, ठीक है। और वेस्ट पाकिस्तान बना और एक जो है ईस्ट पाकिस्तान बना, और ईस्ट पाकिस्तान को ही अब बांग्लादेश नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। और क्या हुआ आगे देखो, पाकिस्तान जो है वो दो पाकिस्तान बने थे पार्टीशन के बाद, एक तो ये इस साइड में वेस्ट साइड में बना और एक जो है वो ईस्ट साइड में बना था। सो ये इस तरीके से था। अब आगे देखिए क्या होता है, मास माइग्रेशन बहुत बड़े लेवल पर, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पर जो है यहाँ पे माइग्रेशन हुआ
हिंदू लोग, सिख लोग जो थे वो इधर से उधर जा रहे थे, इंडिया वाले उधर जा रहे थे, ठीक है, पाकिस्तान वाले इधर आ रहे थे, माइग्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा था। और ये इससे क्या हुआ, काफी ज्यादा सोशल डिसरप्शन हुआ, आपस में बहुत लोग भिड़ गए बहुत बारी। अब क्या हुआ आगे, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, काफी लोग मारे गए, कई लोगों की प्रॉपर्टी चली गई, ठीक है, एंड काफी हिस्टोरिकल और कल्चरल साइट जो थी वो डिवाइड हो गई। जो कुछ एरियाज हमारे इंडिया के अच्छे अच्छे थे वो इंडिया में चले गए, और सॉरी इंडिया वाले जो थे वो पाकिस्तान में चले गए, और जो पाकिस्तान की कुछ चीजें थी वो इंडिया की तरफ आ गई, ठीक है। तो काफी मतलब प्रॉपर्टीज वगैरह भी एक तरीके से इसका भी डिवाइड हो गया था। और क्या हुआ, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट भी यहीं से आया 1947 के बाद। जो ये कश्मीर है, ये जब ब्रिटिश इंडिया था हमारा, तो उस टाइम पे कश्मीर में एक किंग हुआ करते थे, राजा हरी सिंह, ठीक है, ये जो है राजा का यहाँ पे पूरा रूल चलता था। अब मतलब ये कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट कुछ ऐसा था कि इंडिया चाहता था कि कश्मीर हमारे साथ ही रहे, क्योंकि वो हमारा ही था पहले भी, और पाकिस्तान ये चाहता था कि कश्मीर में मुस्लिम ज्यादा है तो वो पाकिस्तान का बन जाए कश्मीर। तो ये आज भी ये पंगा चलता है, ठीक है, और ये लगातार टेंशन्स कॉन्फ्लिक्ट्स बनी रहती हैं कश्मीर को लेकर। और क्या हुआ, इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ा बहुत ज्यादा पार्टीशन की वजह से। क्या हुआ, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, इकोनॉमिक टाइज जो थे ये बहुत ज्यादा आप कह सकते हो अफेक्ट हुए। और काफी टाइम लगता है, जब आपका पार्टीशन होता है आप दूसरे के दुश्मन बन चुके हो, तो इतनी जल्दी आप ट्रेड वगैरह नहीं कर सकते आपस में, ट्रांसपोर्टेशन भी बंद हो जाता है कुछ समय के लिए। रिफ्यूजी क्राइसिस, ठीक है, अब जब पार्टीशन होता है, वॉर होती है, या कोई देश में अगर बवाल चल रहा है, तो लोग जो है वो दूसरे देशों में चले जाते हैं फिर, ठीक है, रिफ्यूजी बनकर। अब होता क्या है, यहाँ पे काफी मिलियंस ऑफ द पीपल जो थे वो अपने घरों से छोड़ छोड़कर दूसरे देशों में चले गए, ठीक है, और नए नए मतलब इधर उधर जो देश थे वहां पे लोग जा रहे थे, इंडिया वाले पाकिस्तान में, पाकिस्तान वाले इंडिया में, तो ये बहुत ज्यादा हो रहा था। अब अगला टॉपिक है हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स। तो मैं अगर आपको बताऊं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को मतलब आप मान के चलो आयरन मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है इनकी याद में। और क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था इंडिपेंडेंस के टाइम पे, हमारे देश के अंदर लगभग 565 ऐसे एरियाज थे जो कि राजा महाराजा रूल करते थे, ब्रिटिश इंडिया में वो आना ही नहीं चाहते थे, या इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद में वो इंडिया में आना ही नहीं चाहते थे। 565 ऐसे मतलब आप मान लो स्टेट्स, तो इंडिया तो पूरा टूट ही जाता इस हिसाब से, ठीक है, ये इंटीग्रिटी के लिए खतरा था, चैलेंज था। और ये 565 प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स का मतलब होता है जहां पे राजा या कोई किंग होता है, तो ये जो आपको फोटो में दिख रहा है ये सारे ही किंग्स थे अपने अपने एरियाज के। तो पूरे इंडिया में लगभग 565 जो है ये प्रिंसली स्टेट्स थे। अब इनमें से ज्यादातर तो आ गए इंडिया के अंदर, पर चार ऐसे थे जिनको शामिल करने में बहुत दिक्कत आ रही थी, तो वो दिक्कत सॉल्व करी आयरन मैन ऑफ इंडिया मिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। कैसे, उन्होंने बहुत ज्यादा चैलेंज फेस करे, एक तो हैदराबाद को मर्ज करने में इंडिया के अंदर, जूनागढ़ और कश्मीर, ये तीन जगहें ऐसी थी जहां पे वहां के रूलर्स थे, शासक राजा आप कह सकते हो, वो इंडिया में नहीं आना चाहते थे, ठीक है। इन तीनों को कैसे हमने इंडिया के अंदर मिलाया, हैदराबाद आप सभी जानते हो बहुत बड़ा एरिया है, और उसको इंडिया में मिलाना बहुत ही बड़ी बात थी अपने आप में। और इन्हीं की लीडरशिप की वजह से हमारी इंडियन फोर्सेस वहां पर गई, और हैदराबाद और जूनागढ़ जो है वो हमारे इंडिया में मर्ज हो गया। और देखो, जब इंडिया इंडिपेंडेंट होने वाला था ना, उससे पहले ही ब्रिटिशर्स ने कह दिया था कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं 565, ये उनकी मर्जी है, आप अगर रहना चाहो इंडिया के साथ तो रहो, नहीं रहना तो आप पूरे इंडिपेंडेंट हो। इसका मतलब ये था कि इंडिया की इंटीग्रिटी को बहुत खतरा था, अगर ये 565 देश, सॉरी 565 जो ये प्रिंसली स्टेट्स थे, ये मना कर देते इंडिया में आने से, तो आज हमारा इंडिया सोच भी नहीं सकते आप कैसा लगता। अब यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कब स्टार्ट हुई, जब ब्रिटिशर्स ने ये बोला ना कि आप अगर चाहो तो आजाद भी रह सकते हो, इंडिया में आओ या ना आओ। तो सबसे पहले त्रावणकोर नाम की एक जगह थी साउथ इंडिया के अंदर, जो आज केरला है, ये त्रावणकोर के जो रूलर थे उन्होंने इंडिपेंडेंट खुद को मतलब अनाउंस कर दिया कि मैं इंडिया में नहीं आ रहा, मैं आजाद हूं। और थोड़े ही टाइम बाद हैदराबाद के जो निजाम थे, निजाम का मतलब होता है राजा, हैदराबाद के राजाओं को निजाम कहा जाता था, तो हैदराबाद का जो निजाम था उसने भी अनाउंस कर दिया मैं भी इंडिया के साथ नहीं रहने वाला।
अब यहाँ पे होता क्या था कि जो 565 प्रिंसली स्टेट्स थी, जब वो इंडिया में शामिल होते था, उनमें से कोई भी इंडिया में जब शामिल होता था तो एक डॉक्यूमेंट पे साइन करवाया जाता था, और इस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। देखो, कोई भी प्रिंसली स्टेट है जहाँ पे कोई राजा शासन कर रहा था, वो इंडिया में अगर आना चाह रहा है तो उसको इस पे साइन करना पड़ता था, और साइन करने के बाद वो प्रॉपरली ऑफिशियली इंडिया में शामिल हो जाया करता था, ठीक है। और एक्सेशन, सबसे ज्यादा दिक्कत जो आती है एक्सेशन में, वो जूनागढ़ के में आई, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर, ठीक है। वन बाय वन करके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हैदराबाद का एक्सेशन कैसे हुआ, हमारे इंडिया में हैदराबाद को कैसे मिलाया गया, कैसे मर्ज किया गया, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए थे तो उन्होंने ये प्रिंसली स्टेट्स को राइट दिया था कि वो चाहे तो इंडिया में आ सकते हैं, चाहे तो वो इंडिपेंडेंट खुद को रख सकते हैं। तो हैदराबाद वालों ने ये कह दिया था कि हम तो इंडिया में नहीं जाएंगे। अब देखते हैं ये कैसे आए। तो देखो, हैदराबाद बहुत ही बड़ा प्रिंसली स्टेट था, अगर आप देखोगे एरिया वाइज भी बहुत बड़ा था, और उस टाइम पे तो काफी महाराष्ट्र वगैरह के, कर्नाटक और आंध्रा के भी पार्ट्स इसमें शामिल थे। तो हैदराबाद का जो रूलर था ना, उसको निजाम कहा जाता था। ये एशिया का रिचेस्ट पर्सन माना जाता था, बहुत पैसे वाला था, और ये इंडिपेंडेंट रखना चाहता था हैदराबाद को, इंडिया में नहीं आना चाहता था। वहां के जो किसान लोग थे, ठीक है, तेलंगाना के आसपास के, वहां की जो विमेन थी, जो वहां के लोग थे, उन्होंने निजाम के ऑप्रेसिव रूल के अगेंस्ट आवाज उठाई, क्योंकि निजाम बहुत बुरा था। जो विमेन थी, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा तंग किया जाता था निजाम के रूल में। निजाम जो है अपनी पैरामिलिट्री फोर्स भेजा करता था, जिसको रजाकार कहा जाता है, और वहां के लोगों को मारा करता था, वो मर्डर करता था, ठीक है, रेप करता था महिलाओं के, और इसके अलावा लूट मचाता था वहां पे, नॉन मुस्लिम्स को बहुत ज्यादा तंग करता था। निजाम से सभी लोग परेशान आ चुके थे हैदराबाद में। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी आर्मी भेजी और ये सिचुएशन को टैकल करा, और सितंबर 1948 तक हमारी इंडियन आर्मी जो है वो पूरा कंट्रोल कर लिया निजाम की फोर्सेस के ऊपर उसने, और कुछ ही दिनों बाद निजाम ने सरेंडर कर दिया इंडिया की आर्मी के आगे, और इस तरीके से हैदराबाद हमारे इंडियन टेरिटरी में आ गया। अब मणिपुर कैसे आया, मणिपुर के बारे में भी देखते हैं। तो इंडिया के मैप में ये मणिपुर है, नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है, और पहले ये इंडिया में नहीं था, ठीक है। यहाँ पे एक किंग हुआ करता था, राजा था, और हुआ क्या यहाँ पे देखते हैं। इंडिपेंडेंस के पहले क्या था, मणिपुर के जो महाराजा थे उसका नाम था बोधचंद्र सिंह, ठीक है, ये जो खड़े हैं। और इन्होंने क्या करा कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जो वो डॉक्यूमेंट था ना इंडिया में आने वाला, उस पर साइन कर दिया, ठीक है। और हुआ क्या कि भाई 1948 में लोगों ने बहुत प्रेशर डाला, तो महाराजा ने इलेक्शंस भी करवाए मणिपुर के अंदर 1948 में जून में, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क वो वहां का बन गया, यानी कि पूरे रूल रेगुलेशन से वो वहां का किंग चल रहा था अभी तक, ठीक है, रूलर बना हुआ था। और आपको एक बात बताऊं, आपने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का नाम सुना होगा, जो भी 18 साल से ऊपर लोग होते हैं वो वोट डाल सकते हैं, ये इसका मतलब होता है। तो सबसे पहले इंडिया में इसको कहाँ पे इस्तेमाल किया गया था, मणिपुर में ही किया गया था, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट था ये। और मणिपुर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, वहां पे बहुत सवाल उठाए जाने लगे यहाँ के महाराजा बोधचंद्र सिंह के ऊपर कि आपने किससे पूछ के इंडिया में साइन किया है, आप मर्ज क्यों हो गए, यहाँ के लोगों से तो पूछ लेते, यहाँ की पार्टी से तो पूछ लेते। तो मणिपुर की जो कांग्रेस थी वो तो एग्री थी, लेकिन बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो इस चीज के खिलाफ थी, बहुत गुस्से में आ गई कि ये राजा ने इंडिया के साथ क्यों मिलवा दिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सक्सेसफुली महाराजा से साइन करवा लिया था भाई अग्रीमेंट के ऊपर सितंबर 1949 तक, और यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली से कोई कंसल्टेशन नहीं लिया था भाई यहाँ के महाराजा ने। और आज तक यहाँ के कुछ लोग हैं मणिपुर के जो कि नहीं चाहते कि वो इंडिया में रहें। तो ये हमारा मणिपुर का टॉपिक था। अब हमारा अगला टॉपिक है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तो जब हमारा इंडिया आजाद हुआ था, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, तो अब हमें दोबारा से स्टेट्स बनाने थे, क्योंकि हमारे जितने भी स्टेट्स पहले से बने हुए थे वो ब्रिटिशर्स ने अपने अकॉर्डिंग बनाए थे, जो उनको अच्छा लगता था। अब हमें अपना एक नया देश मिला था 1947 में, तो हमें रीऑर्गेनाइजेशन करना था स्टेट्स का। हुआ क्या कि भाई आफ्टर इंडिपेंडेंस, पहले तो हम ये सोच रहे थे कि लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स बनाएंगे, बट बाद में हमें ये लगा कि भाई हमारे यहाँ पे दिक्कत हो सकती है ये, क्योंकि लैंग्वेजेस तो बहुत सारी बोली जाती हैं, तो इससे तो देश टूट सकता है। सो हुआ क्या कि भाई लोकल लीडर्स और आम लोगों ने आवाजें उठाना शुरू कर दी कि हमारी लैंग्वेज के बेसिस पे हमें स्टेट बना के दो। प्रोटेस्ट होने लगी, तेलुगु स्पीकिंग एरियाज में होने लगी, जो मद्रास के अंदर जितने लोग तेलुगु बोलते थे वो कहने लगे हमें आंध्र प्रदेश नाम से नया राज्य चाहिए, नया स्टेट चाहिए। केरला वाले कह रहे थे हमें अलग चाहिए, कर्नाटक
कर्नाटका वाले कह रहे थे हमें अलग स्टेट चाहिए। अब हुआ क्या, एक विशाल आंध्रा मूवमेंट चला, ठीक है, विशाल आंध्रा मूवमेंट चला, जिसका मेन पर्पस ये था कि आंध्र प्रदेश नाम से एक सेपरेट स्टेट बनवाना। आज आप जिस आंध्र प्रदेश नाम से राज्य को जानते हो वो पहले स्टेट नहीं था। और यहाँ के जो मद्रास के जो तेलुगु बोलने वाले लोग थे, जो एरियाज थे, उन्होंने ये डिमांड करी कि हमें आंध्र प्रदेश चाहिए। और इनके जो लीडर थे, जो प्रोटेस्ट वगैरह में सबसे आगे थे, वो थे पोटी श्री रामुलु। ये कांग्रेस लीडर थे और गांधी जी को मानते थे, और ये एक इनडेफिनाइट फास्ट कर रहे थे, भूख हड़ताल, और 56 डेज के बाद इनकी डेथ हो जाती है। इनकी डेथ के बाद और बवाल मच गया, वायलेंट प्रोटेस्ट होने लगे, डेमोन्स्ट्रेशंस होने लगे आंध्र प्रदेश के आसपास, और बहुत बड़े नंबर में लोग आने लगे, गलियों में, रोड में क्लैश होने लगे पुलिस के साथ में, काफी लोग इंजर्ड हो गए, कईयों ने अपनी जान खो दी। मद्रास के अंदर बहुत ज्यादा जो लेजिस्लेटर्स थे उन्होंने भी रिजाइन कर दिया अपना। फाइनली पीएम जवाहरलाल नेहरू के ऊपर बहुत प्रेशर आ गया, तो उन्होंने एक आंध्र प्रदेश नाम से सेपरेट स्टेट बनाने की जो है वो अनाउंसमेंट कर दी 1952 में। अब भाई आंध्र प्रदेश तो बन गया, अब बाकी जगहों से भी यही डिमांड आने लगी, तो फिर यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया 1953 में। इसका यही काम था कि दोबारा से स्टेट्स बनाने का क्या प्लान होना चाहिए। तो 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को लाया गया, और इसके बाद 14 नए स्टेट्स बनाए गए, 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई नए तरीके से। और अब कौन कौन से नए स्टेट्स बने थे आपको बता देता हूं मैं, गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो हुआ क्या था, पहले गुजरात और महाराष्ट्र एक ही साथ होते थे, ठीक है। सो हुआ क्या था कि भाई गुजरात बोलने वाले कि मतलब गुजराती बोलने वालों को गुजरात मिल गया, मराठी बोलने वालों को महाराष्ट्र मिल गया, 1960 में ये बना। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और हिमाचल पहले एक ही था, ठीक है। और यहाँ पे होता क्या है कि दो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स थे, हिंदी बोलने वाले और पंजाबी बोलने वाले। तो पंजाबी बोलने वालों ने डिमांड करा कि हमें पंजाब चाहिए, ठीक है, बट इट वॉज नॉट ग्रांटेड विद अदर स्टेट्स इन 1956। फिर क्या हुआ कि जो पंजाब का जो ये स्टेट बना ये 1966 में बना, 10 साल बाद, ठीक है। और इसके अलावा जो ये पूरा बड़ा स्टेट था उसको लार्जर पंजाब कहा जाता था। इसमें से पंजाब बना, हिमाचल बना और हरियाणा बना, ये तीन स्टेट्स बने। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करूं तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा मेजर रीऑर्गेनाइजेशन का काम चला 1972 में, जब मेघालय को बनाया गया असम से अलग करके 1972 में, मणिपुर और त्रिपुरा भी बनाए गए इसी ईयर में, और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बनाए गए 1987 में, नागालैंड जो है बनाया गया था 1963 में, ठीक है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये भी तीन नए स्टेट्स बने 2000 में, ठीक है। थ्री न्यू स्टेट्स वर फॉर्म, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड जो है ये इस तरीके से बने 2000 में। मूवमेंट्स चलती हैं आज भी कई मतलब जगहों से कि हमें अलग स्टेट बना के दो। विदर्भ नाम से एक अलग स्टेट की डिमांड चल रही है महाराष्ट्र में। हरित प्रदेश जो उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न रीजन है उसमें से अलग करके एक नया स्टेट बनाने की डिमांड चल रही है। और वेस्ट बंगाल, नॉर्थ रीजन आर अमंग देम, वेस्ट बंगाल का जो नर्दर्न रीजन है वहां के लोग भी चाहते हैं कि हमें अलग स्टेट मिले। तो ये पूरी स्टोरी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके फीडबैक जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करें और वीडियो शेयर करें। जय हिंद, जय